जी इसका फोर्थ रिलेशनशिप है सिम्बियोसिस, या और जो पार्टनर्स होते हैं दिस इज दे आर कॉल्ड एज द सिम्बियोंट्स। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि एक पैरासिटिज्म भी है, या एक सेप्रोफाइट्स हैं, या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं क्योंकि दे वर टेकिंग द इंसेक्ट्स लाइक द पिचर प्लांट। सिम्बियोसिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ फैक्टर्स गिव म्यूचुअल बेनिफिट्स टू ईच अदर। ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें जैसे अगर हम पैरासिटिज्म की बात करें तो एक को फ़ायदा होता है बट दूसरे को क्या होता है, नुकसान हो रहा होता है। लिहाजा सिम्बियोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एसोसिएशन तो होते हैं दो मेम्बर्स में, लेकिन दोनों मेम्बर्स एक दूसरे को क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बेनिफिट या प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, म्यूचुअल एसोसिएशन हो रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में मौजूद होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट से अटैच्ड हुए हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट कुछ ऐसे जरासीम हैं जो कि कहलाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था ना कि प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन कंपाउंड जो हैं वो ज़मीन से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इसी तरह से प्लांट्स को नाइट्रोजन भी चाहिए होती है। आपको पता है ना इस वक्त एटमॉस्फेयर में कितनी होती है नाइट्रोजन, अबाउट 78%। सबसे ज़्यादा जो एयर है वो नाइट्रोजन की ही है, क्योंकि हमारे हर एक सेल जो है वो नाइट्रोजन पर ही यानी क्योंकि अमीनो एसिड है, हर सेल में अमीनो एसिड मौजूद है या प्रोटीन्स मौजूद हैं, और प्रोटीन का बेसिक जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो नाइट्रोजन ही होता है। लिहाजा प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके देने का काम किसका होता है, बैक्टीरिया का। तो इस तरह से बैक्टीरिया उनके लिए क्या फ़ायदेमंद हो गए कि वो उनको नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे हैं प्लांट्स को, और बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा मिलता है, शेल्टर मिलता है। लिहाजा दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट्स हासिल कर रहे होते हैं। दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज अ सिम्बियोसिस एंड द पार्टनर्स आर कॉल्ड एज अ सिम्बियोंट। इसी तरह से लिचेंस एक कॉम्बिनेशन है फंगस और एल्जाए का। एल्जाए और फंजाए का इस तरह से एक कॉम्बिनेशन है कि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप की वजह से फंगस जो है वो एल्जाए को शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, फंगस आर लार्जर इन साइज, दे गिव द शेल्टर टू द एल्जाए, एंड एल्जा जो है वो आपको पता है दे आर द टाइप्स ऑफ द प्लांट्स एंड दे कैन मेक फूड। तो वो जो फूड बनाता है वो उसे फंगस भी इस्तेमाल करता है, और इन रिटर्न फंगस जो है वो एल्जाए को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है दोनों के दूसरे से फ़ायदा हो रहा है, लिहाजा बोथ आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम वन एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज अ सिम्बियोसिस।